बहुत अच्छी है। कमल हसन है। हाँ कमल हसन है। वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है। वापस गई कहाँ थे वो, तो हर साल आते हैं कुछ ना कुछ लेके। बहुत अच्छी मूवी है और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो न जाए तो ही अच्छा है। पहले फर्स्ट पार्ट देखें फिर जाए, नहीं तो उनके लिए फिर वो आके बाहर पिक्चर की बुराई करेंगे। अगर जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिन्होंने, वो अगर जाएंगे और देखेंगे तो वापस आके वो पिक्चर की बुराई करेंगे बस, और कुछ नहीं। एक्टिंग तो कमल हसन एक्टिंग का गॉड है, और क्या बात करेंगे उसके बारे में। मस्त मूवी है। नहीं वो जो सबसे अच्छा मैसेज ये है कि ये रिलीजियस नहीं है कोई चीज़ जो है, क्योंकि वो खुद भी एक तो मुस्लिम का ही करेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, जो जो प्रोटागनिस्ट है वो भी मेन मुस्लिम है और जो हीरो है वो भी मुस्लिम ही है, तो ये कोई उस रिलीजियस व्यू नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। थ्री इज अ वेरी गुड एक्शन मूवी। सर कैसी लगी तुम बताइए भाई। दे दिया भाई। अरे दे दो एक लास्ट यार। किया ना यार। कैसी लगी? अरे बहुत अच्छी। अच्छी नहीं? अच्छी थी। अच्छी। कमल हसन की एक्टिंग बात करते हो तो? अरे वो तो सुपर है, सुपर हिट है। अच्छा सॉन्ग किस तरह के थे? सॉन्ग तो इतने खास नहीं लगे, बट स्टोरी अच्छी। अच्छा क्या मैसेज दे दी एंड में? सोच बदलेगी लोगों की मुस्लिम पे? अरे भाई पिक्चर देख के सोच बदलती है क्या? वो तो एंटरटेनमेंट है। अच्छा ऑटो पे कितना स्टार देना चाहेंगे? थ्री थ्री। एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी। अच्छी लगी मुझे। एक्टिंग की बात करें कमल हसन की एक्टिंग किस तरह की? जी उनकी एक्टिंग तो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है। बहुत अच्छा करा उन्होंने इस बार भी। बांधे रखी मूवी एंड तक आपको? बिल्कुल बांधे रखी। फर्स्ट पार्ट के मुकाबले सेकंड पार्ट? नहीं फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छी थी। सेकंड पार्ट ने एक्चुअली हम लोग को कंक्लूजन मैंने बताया कि कमल हसन की जो बैकड्रॉप है इस कैरेक्टर की वो क्या है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ज़्यादा बढ़िया थी। सॉन्ग किस तरह लगे आपको? जी सॉन्ग्स अच्छे हैं, मतलब मूवी बैकग्राउंड में प्ले होते जितने ज़रूरी थे उतने ही थे, वो फोर्स नहीं है अलग से, तो अच्छे हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको रिलीजियस एंगल तो मतलब लेने का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली एक कैरेक्टर है बस, उस पर बेस्ड और कुछ नहीं। ऑटो पे कितना स्टार देना चाहेंगे? थ्री एंड हाफ। थैंक यू। और कम हो गया। मूवी अच्छी नहीं लगी मुझे, एक्सपीरियंस काफ़ी थका हुआ था। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है, काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी सारा एक्शन डालने के चक्कर में स्टोरी को अटैच नहीं कर पाए आपस में, कॉम्प्लिकेटेड सी है। मैं ये बोलूँगा कि